जम्मू कश्मीर में रविवार को पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार का शपथ ग्रहण होने से पहले पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थायी सरकार देने के लिए बीजेपी के साथ कई बार बातचीत हुई। 2 महीने में एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया गया और अब एक अच्छा माहौल बना है। जम्मू कश्मीर में हम एक बेहतर सरकार देंगे। अच्छा, जो मोदी जी का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी ख्वाब है, मेरा भी है, जम्मू कश्मीर को अमन और आस्ती का गहवारा बनाना, आइलैंड ऑफ पीस, उसमें पाकिस्तान को भी एंगेज करने की जरूरत है। सईद ने कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू में आयोजित मेरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे में खंडित जनादेश के बाद 28 विधायकों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं बीजेपी के हिस्से में 25 सीटें आई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में 15 और 12 सीटें आई थी। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।